इधर रुख करते हैं रायपुर का, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। उसका आयोजन किया जा रहा, बड़ी संख्या में यहां पर समर्थक कार्यकर्ता मौजूद। सीधा श्री नारायण चंदेल जी, भारत सरकार में मंत्री रेणुका जी, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे विष्णुदेव साय जी, हमारी राज्यसभा में हमारी सहयोगी और पूर्व में महामंत्री रही बहन सरोज पांडे जी, सह प्रभारी नितिन नवीन जी, यहाँ के सांसद सुनील सोनी जी, हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, रामविचार नेताम जी, धर्मलाल कौशिक जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष पुन्नूलाल मोहले जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे राजेश मूणक जी, अजय चंद्राकर जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और हमारे 23,000 बूथों से आए हुए हमारे सभी बूथ अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों और मेरे मीडिया के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे छत्तीसगढ़ पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। और जब मैं पुण्य भूमि छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, जय जोहार जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मित्रों, जब हम छत्तीसगढ़ में आए हैं तो मैं जय बूढ़ा देव, उसी प्रकार से दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी, माँ बम्लेश्वरी, कौशल्या माँ और कुदरगढ़ी माँ और छत्तीसगढ़ के सभी देवी देवताओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ। हम आज के दिन भगवान बाबा बिरसा मुंडा को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने विदेशियों के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे आदिवासी भाइयों को एक आवाज दी। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, हम जब यहां आए हैं तो महामाया मंदिर को भी और माताजी को भी मैं नमन करता हूं। यह वीर भूमि है। मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यहां के वीर नारायण सिंह जी को भी नहीं भूल सकता, जिन्होंने अपना पूरा योगदान किया। उसी प्रकार मैं श्रमिक आंदोलन को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसे ठाकुर प्यारे लाल जी को भी मैं नमन करता हूँ। श्री बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को भी नमन करता हूँ और अपने वीर जवानों को, जिन्होंने 62 में 65 में और 71 में अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के लिए रक्षा में अपने आप को आहूत किया, ऐसे वीर जवानों को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, जब मैं छत्तीसगढ़ आया हूं तो मुझे पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, और जब मैं पुरानी यादें बोलता हूं तो एक नारा हमेशा लगाता हूं, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। यह मैं इसलिए कहता हूं, कहने के लिए नहीं कहता, मुझे यहां प्रभारी रहने का मौका मिला। मैं 5 साल यहां प्रभारी रहा। कोई जिला नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है जहां मुझे कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका नहीं मिला, और उनसे मिलने के बाद मुझे मौका मिला। मैंने 2 विधानसभा के चुनाव लड़ाए, 1 लोकसभा का चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। लेकिन मैं जब ये कहता हूं तो पूरे ठोक बजा के कहता हूं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। मित्रों, ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपने जिस तरीके से राष्ट्र में अपने आप को आहूत किया है राष्ट्र के कार्य के लिए, उसको देश भूल नहीं सकता। और आज
जब मैं यहां आया हूं तो मैं ये भी गौरव के साथ कह सकता हूं, मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मेरे सामने बैठे हुए वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो छाती ठोक के गौरव से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अगर राज्य बना तो वो श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कारण बना और उस भारतीय जनता पार्टी का योगदान। हम ये कह सकते हैं कि एक विचार था कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनना चाहिए और वह देन अटल जी ने दी हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फख्र से बोल सकता है कि छत्तीसगढ़ का एग्जिस्टेंस, छत्तीसगढ़ जो धरती पर आज राज्य के रूप में है, वह भारतीय जनता पार्टी की सोच का नतीजा है और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। इसको हमको याद रखना चाहिए। जब मैं अटल जी को याद करता हूं तो मैं ये भी याद करता हूं कि चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुर्ग में हो, फिर चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी हो, और फिर चाहे रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स रायपुर हो, ये सब कुछ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। हम गौरव के साथ बोल सकते हैं। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। राजनीति की संस्कृति बदल गई। एक समय था जब भूपेश बघेल जैसे लोग भाई भाई से लड़ाते रहे हैं, जब भूपेश बघेल जैसे लोग इलाके को इलाके से लड़ाते रहे हैं, जब जाति के नाम पर वोट मांग करके समाज को खंडित करते रहे, जब भ्रष्टाचार के सहारे लोगों को गुमराह करते रहे हैं, ये मोदी जी की संस्कृति है कि अब किसी को भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को कि उसने जनता के लिए क्या किया। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी ने रायपुर में, अमृत में हजारों करोड़ रुपए लगा करके स्मार्ट सिटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नौ नौ स्मार्ट सिटी बनाने का काम हजारों करोड़ रुपए से किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फिर चाहे वो अंबिकापुर हो, बिलासपुर हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, कोरबा हो, राजगढ़ हो, रायपुर हो, राजनांदगांव हो, सबकी तस्वीर बदलने का काम रमन सिंह जी के सरकार में, उनके नेतृत्व में तस्वीर बदलने का काम चल रहा था।